आप सबका मेरे चैनल भानस भात पे स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको फ्रिज को साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। मतलब तरीका क्या होता है, साफ़ करना ही होता है, लेकिन हाँ इजी वे में हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप फ्रिज का यहाँ पे हालत देख सकते हो कि क्या है। जो भी चीज़ें आती है वो सीधा फ्रिज में जाती है, भले ही वो रखना चाहिए या नहीं, लेकिन वो सीधे फ्रिज में हम रख देते हैं। तो कुछ इस तरह से हालत हो गया है। और कुछ भी रखने का मतलब फ्रीजर में कुछ भी रखने का जगह नहीं रहता है। मैं कुछ आइसक्रीम भी बनाती हूँ तो वो भी रखने का यहाँ पे जगह नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा कि ना फ्रिज को अच्छे से साफ़ करते हैं, पूरा ही सामान सब कुछ निकाल के और इसे चमकाते हैं अच्छे से, ताकि जब मम्मी आए तो थोड़ा उसे भी लगना चाहिए कि यहाँ कुछ साफ़ सफाई हुआ है उसके बगैर, वरना वही साफ़ सुथरा करती है ये सब काम। और सबसे पहले फ्रिज को साफ़ करते टाइम आपको ये मेन स्विच जो है वो बंद कर देना है और फिर फ्रिज को साफ़ करना है, वरना कई बार करंट आता है इसमें, तो वो बात का आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ऊपर का साफ़ कर दूँगी और जो फ्रीजर है वो साफ़ कर लूँगी और फिर नीचे का साफ़ करूँगी। तो ऊपर का सारा सामान मैं यहाँ पर निकाल दे रही हूँ एक एक करके। जो भी अब ये आप देख रहे हो ना, मसाले रखे हुए, तो मसाले जो बाहर हम रखते हैं ना तो ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम मसाले को फ्रिज में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक टिश्यू पेपर लूँगी या फिर आप कोई भी कपड़ा कॉटन का ले सकते हो, और पहले सिर्फ टिश्यू पेपर से हम इसे क्लीन कर लेंगे जो भी कचरा गिरा हुआ है। तो अच्छे से क्लीन हम यहाँ पर पहले टिश्यू पेपर से जितना क्लीन हो सकता है उतना क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए अभी ये ना ट्रे निकल नहीं रहा था, क्योंकि बिना निकाले ये अच्छे से क्लीन नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि इसे पहले निकाल लेती हूँ, तो मुझसे निकल नहीं रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया तो वो उसने निकाल के दिया। तो ये मैं अभी धोने के लिए डाल दूँगी। तो ये देखिए अभी ये ट्रे निकल गया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना मतलब कितना गिरा हुआ है गंदगी। मतलब मसाले सब जो पैकेट खोलते हैं ना, वो अगर आप ऐसे ही रखते हो तो वो गिर जाते हैं। और ये देखो यहाँ पे कितना गंदा निकला है कचरा। तो अभी हम फ्रिज साफ़ करने के लिए एक लिक्विड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है और पानी के बाद इसमें मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला है, जो भी आपके पास हो, और फिर मैंने जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं वो लिक्विड डाला है। और हमें एक चम्मच डालना है बेकिंग सोडा। इससे क्या होता है ना कि जो भी बदबू रहती है ना फ्रिज के अंदर, हम सामान खाने का बहुत कुछ रखते हैं तो कभी कभी उसका जो स्मेल है वो पूरे फ्रिज में आ जाता है। तो वो हटाने के लिए, वो अच्छे से साफ़ करने के लिए ना आपको इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और पानी को अच्छे से मिला लेंगे। और हमें फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है जिससे आप नॉर्मली साफ़ करते हो, तो वो ले लेना। और फिर अच्छे से हम फ्रिज को क्लीन करेंगे इस कपड़े की हेल्प से, और फिर इस कपड़े को हम पानी में डिप करेंगे जो हमने तैयार किया हुआ है, और फ्रिज को हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो एक एक मैंने कोना अच्छे से साफ़ कर लिया था। इससे क्या होगा ना, जो भी कभी कभी कोई कोई हिस्से में ना पीला दाग हो जाता है, तो वो भी इस पानी से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये अभी आप देख रहे हो एक पट्टी के जैसे था, अब इसे क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे दाने चले गए थे, कुछ कुछ सामान रखा होगा। ये अभी आप देख रहे हो जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ, तो वो मैंने सोचा कि वो भी शायद निकलता होगा, तो मैंने भाई को फिर से बुलाया था और बोला कि इसे भी निकालने के लिए, लेकिन शायद ये नहीं निकलने वाला था, इसके लिए मैंने बोला भी भाई छोड़ दे, नहीं तो टूट टूट गया तो फिर फालतू का लेने का देना हो जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया। आप लोग बताना कि ये पार्ट निकलता है कि नहीं, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। फिर मैंने साइड वाला भी अच्छे से क्लीन कर लिया। तो अभी ये जो ट्रे था मैंने धो करके रख दिया था सूखने के लिए, तो अभी ये सूख गया है। तो फिर अभी यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया और अब एक एक करके सामान को मैंने एडजस्ट कर लिया था कि क्या क्या मुझे यहाँ पे रखना है क्या नहीं रखना है, तो वो मैंने तब तक एडजस्टमेंट कर लिया था। तो जो मुझे रखना है वो अब मैं एक एक करके इसमें रख दूँगी।
तो ऊपर का यहाँ पे सेट हो गया है, जो भी सामान रखना था वो मैंने एक एक करके रख दिया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे का ड्रॉ साफ़ करने के लिए, यानी कि जो फ्रिज है वो नीचे का हम साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नीचे का भी सारा सामान हमें निकाल लेना है। तो जो भी ट्रे है वो हम एक एक करके अच्छे से निकाल लेंगे, ये टूट जाता है तो आप ध्यान से निकालना। एक ऑलरेडी हमारा टूट गया है और वो अभी लाना बाकी है, तो मिल नहीं रहा था तो अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि कितना, ये देखो इसमें ना जो भी आप चीज़ें रखोगे ना, तो वो अगर मसाले रहते हैं थोड़े बहुत तो वही गिर के फिर पूरा कचरा हो जाता है। तो अभी मैंने सारा ट्रे और जो भी साँचा वाचा है वो निकाल लिया है, और इसे भी पहले एक टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कचरा है, मतलब ऊपर वाला कचरा है ना जो, वो निकल जाए। और अब हम क्या करेंगे कि उसी कपड़े से जो हमने पानी तैयार किया है फ्रिज को साफ़ करने के लिए, कपड़े को डिप करके निचोड़ के अच्छे से फ्रिज को हम क्लीन कर लेंगे वो कपड़े से। तो ये देखिए ये बढ़िया से क्लीन हो गया है, आपको फ़र्क पहले से पता चल रहा होगा। और मैंने ये सब ट्रे को धो लिया था, सूखने के लिए रख दिया था, और फिर अभी मैंने अच्छे से इसे पोंछ करके लगा लिया है। तो ये साइड वाला जो आप देख रहे हो वो मैंने कितने बार ट्राई किया, मुझसे लग ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने भाई को बुलाया तो फिर उसने ये लगा दिया। तो अब इसमें भी हम एक एक करके सामान को अच्छे से रख लेंगे, जो वेस्ट है वो हमें निकाल लेना है। तो अब सबसे नीचे वाले में हम पहले तो सब्ज़ी रख लेंगे। सब्ज़ी में आप टमाटर कभी भी फ्रिज में मत रखिएगा, वरना वो गल जाता है जल्दी और ख़राब हो जाएगा, तो टमाटर हमेशा बाहर ही रखना है। तो जो भी नीचे सामान है वो भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको फाइनल बताती हूँ कि फ्रिज किस तरह से दिख रहा था। पहले आपने देखा, मैंने पहले भी आपको दिखाया था साफ़ करने से पहले किस तरह से दिख रहा था, और अब ये मैं आपको फाइनल बता रही हूँ। ये देखिए ऊपर ये फ्रीज़र का है, तो जो भी जितना सामान मुझे ज़रूरत था उतना ही मैंने रखा, जो भी थैली में इधर उधर पड़ा हुआ था वो मैंने अच्छे से डब्बे में रख दिया। और ये जो आइस जमाने वाला ट्रे है, और नीचे भी आइस जमाने वाला ही है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे मैंने जो भी चॉकलेट ये सब था, अमूल बटर या फिर चीज़, वो मैंने रख दिया नीचे के ट्रे में। यहाँ पे आप मसाला देख रहे होंगे, तो मसाला मैंने डब्बा से ही रखा है, क्योंकि बिना डब्बा का रखने से तो सारे एक जैसे ही लगेंगे तो पहचान में नहीं आएंगे। और ऊपर जो भी थैला वैला है, मतलब जो छोटा मोटा मसाला का पैकेट है वो रखा है। और अब यहाँ पे नीचे में ये डब्बे में खाली केचप रखा हुआ है, जो भी बाहर से आता है ना खाना वाना उसमें मिलता है, वो मैंने एक डब्बे में भर के रख दिया। ये फूड कलर और थोड़ा कलर वलर है जो भी है। और इधर नींबू रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डब्बे में सामान सब है, दूध है, और ये सबसे ऊपर वाला मैंने खाली रखा है। यहाँ पे चॉकलेट है, और ये डिब्बे में कुछ सामान थे मम्मी का, तो वो मैंने भर करके रख दिया। तो ये चॉकलेट को मैं फ्रीजर में ही रख दे रही हूँ, फ्रीजर अभी खाली है, तो ये चॉकलेट मैं ऊपर ही रख दे रही हूँ। और यहाँ पे ऊपर आप खाली देख रहे हो, यहाँ पे मैंने साइड में केचप का जो भी पैकेट है वो रख दिया है, जो भी एक्सपायर हो गया था वो मैंने फेंक दिया। और नीचे भी मम्मी का ही सामान कुछ कुछ रखा है, सॉस ये सब है। ये डब्बे में भी जितना आप देख रहे हो वो अलग अलग चाइनीज़ बनाने के लिए सॉस रखा हुआ है, तो वो अभी जो एक्सपायर हो गया था वो मैंने फेंक दिया। तो बस आज का वीडियो इसी से रिलेटेड था, फ्रिज साफ़ करने से। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।